लगा के तो सामने 21 साल का हो गया। अबे भाई अभी से ना 3 मिनट बाकी हैं 21 का होने में। अभी तो साला नया बालिक है। अरे सुन, 3 मिनट बाद मैं दूसरों की नज़र में बालिक हो जाऊंगा। पर क्या बातें हो रही हैं? बस कुछ नहीं, अब देखो ना ये सब मुझे नाबालिग समझ रहे हैं। अब शरीफ होने का ये घाटा तो सहना ही पड़ता है। तुम्हारी सराफत तो सिर्फ राधिका ही बता सकती है। ओ शिट, मैं लाइट चेक करके आता हूँ। शिव जरा जाकर देखो। राधिका, ये रोने से कुछ नहीं हो सकता। गीता सही बोल रही है, कब तक तुम ये चुप रहोगे? मैं जानती हूँ मेरा प्यार अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे वो मौत हादसा नहीं लगती। तुम इतना मत सोचो, आराम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। गीता चलो। मुझे भी एक बात खटक रही है। क्या बात? यही कि बिजली का झटका लगने पर भी उसकी आवाज नहीं निकली। जो हो चुका है वो हो गया, अब तुम इतना मत सोचो और चलो। रजत बेटा उठो, 10 बज चुके हैं। रजत बेटा उठो, 10 बज चुके हैं, कुछ बोलो।
रजत बेटा कुछ बोलो रजत बेटा कुछ बोलो। ये डॉक्टर फोन भी नहीं उठा रहा है। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाओ ना, मेरा बेटा उठ नहीं रहा है, आप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ये सो रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। धीरज रखिए सोमिया जी, मैंने पुलिस तो कॉल कर दिया, वो भी आते हैं। डॉक्टर साहब कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था, इसे क्या हो गया, अचानक रात में क्या हो गया? डॉक्टर, बॉडी को देखकर तो नहीं लगता ये मर्डर है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही होता है इंस्पेक्टर। सोमी जी के अनुसार तो रात को रजत बिल्कुल ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए पर हाँ सोमी जी, आपको कल हॉस्पिटल आना होगा। इसके कोई दोस्त है जिनसे कुछ खटपट होती हो? नहीं सर, मेरे बेटे का किसी से कोई खटपट नहीं था, ये बहुत अच्छा लड़का था। वो हम पता कर लेंगे मैम, बट पहले आप इसके दोस्तों के नंबर दीजिए मुझे। हाँ तो शिव, रजत को कोई मानसिक परेशानी थी क्या? जी नहीं सर, ही इज मेंटली फिट। और तो और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा सिंसियर लड़का वही था। रेनू, रजत तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? आखिरी बार जब उसकी तुम्हारी बात हुई तब क्या वो परेशान था? नहीं सर, बस रॉकी की मौत से अपसेट था। ये रॉकी कौन था एंड उसकी मौत कैसे हुई? सर, रॉकी हमारा दोस्त था, आज से 6 दिन पहले अपने बर्थडे वाले दिन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी मौत हुई है। ओह आई सी। जय हिंद। बोलो श्याम। सर, रिपोर्ट के अनुसार रंजीत की मौत नशे की गोलियों के द्वारा हुई थी। व्हाट सर, रजत तो नशा करता भी नहीं था। ओके, तुम सब अब जाओ, पर हाँ मेरी सलाह मानो तो सब साथ रहो जब तक रजत के कातिल का पता ना चल जाए। रेनू ये उदास मत हो, ये वक्त उदास होकर चुप बैठने का नहीं है बल्कि सोचने का है।
रॉकी बिजली से मरा, रजत नशे की गोलियों से, कहीं इन दोनों मौतों में कोई समानता तो नहीं? क्या बात कर रही हो, कैसी समानता? राधिका सही बोल रही है, कुछ ना कुछ तो समानता है। रेनु प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? बिजली और नशे में क्या समानता होगी बोलो। गीता तुम इसे लेके अंदर जाओ। तुम्हारे पास चार्जर है क्या? हाँ, वहाँ है, और जाकर आराम करो। शिव, तुमने बोला ना कि क्या समानता है इन दोनों मर्डर में? हाँ राधिका, कोई समानता नहीं है। है, समानता है। क्या? बोलो, बताओ मुझे। समय की समानता। रॉकी की मौत हुई 12 बजे, ठीक 6 दिन पहले। रजत की मौत हुई 12 बजे, ठीक 3 दिन पहले। मतलब कुछ समझे? तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोई डे एंड टाइम के हिसाब से मर्डर कर रहा है? हाँ। इस हिसाब से अभी 11:58 हो रहे हैं, यानी ठीक 2 मिनट बाद हम चारों में से कोई मरेगा। की मौत भी 12 बजे हुई थी, और आज भी ठीक 12 बजे ये फोन फट गया। सोचने वाली बात है, कातिल ने अलग अलग तरीके की थी। सर ये बैटरी मिली है। मतलब कातिल यहाँ आया, बैटरी बदला और चला गया? सिर्फ सुनो, देखो सिर्फ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम परसों मेरे घर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। ओके सर। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और तुम दोनों अपना ख्याल रखो।
तुम्हारी बात मान लेता तो शायद इन्हें बचा लेता। ये तो होना ही था। अब देखते हैं 3 दिनों बाद क्या होता है। जयहिंद, बैठो। बताओ, कुछ पता चला? जी सर, इनका कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो इनकी जान लेता। ओके, ये नॉर्मल मौतें हैं जिसे ये सब मर्डर का नाम दे रहे हैं। सर, अगर ये मर्डर है तो मैं कल रात तक का इंतजार क्यों नहीं होगा। सही कहा, कल रात को ही ये केस क्लोज होगा लगता है। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। ये मर्डर मिस्ट्री है या रिवेंज की कहानी? हेलो शिव, कैसे हो? सर आप, मैं बस अभी घर आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आ गया ना। सर आप कुछ दिखाना चाहते थे? हाँ, दिखाना तो था बट कुछ सवालों के जवाब दो तुम। जी सर, पूछिए। जांच के दौरान मुझे तुम्हारे दो और दोस्तों का पता चला, आर्यन और इश्का। सर, आर्यन इश्का का इसके से कोई लेना देना नहीं, वो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है। ओ आयशी, शिव मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 7 दोस्त पार्टी कर रहे थे। यार वो सब तो ठीक है बट मुझे रिश्का का थोड़ा वक्त बिताना है। Hey, where is the room? Room is ready to DRP. बंद कमरे में लाना तुम्हें अच्छा लगता है? ऋषिका, मैं अपने जन्मदिन पे सबसे पहला चेहरा सिर्फ तुम्हारा देखना चाहता। इतना प्यार करते हो तुम मुझे? एक प्यार शब्द क्या मेरी फीलिंग को समझ सकता है? मुझे नहीं लगता। यार वैसे काफी हॉट है इनका प्यार। चलो, बहुत तेज बनता था, अब वो ही करेगा जो हम चाहेंगे। सही कहा, मैंने सुबह ही दिशिका को तोहफा भेज दिया था। यार हमारा ग्रुप बेस्ट है। रॉकी ने लाइट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की, रजत ने नशे की गोलियां मिलाई एंड रेनू और गीता ने ये एमएस बनाया।
और तुमने ये मास्टर प्लान बनाया। वो सब तो सही है, अब आगे क्या बोलेंगे? इस एमएमएस के 10 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं भी दे देंगे। यार दोस्तों पे हाथ नहीं उठाते यार। दोस्त शर्म करो खुद को दोस्त कहने से पहले। क्या मिला तुम्हें दोस्ती के रिश्ते को यूं गंदा करके? मजाक बना दिया ना मेरा, पता है ऋषि का कोमा में। अबे ओए अपने ना दुख भरी कहानी किसी और को जाके सुना चुपचाप में। बाहर निकलने लायक छोड़ा क्या तुमने मुझे? सालो छोड़ूंगा नहीं, एक एक से बदला लूंगा। हे बड़ी गो टू हेल शिव, इसके मुंह पे पैसे मारो, दफा कर इसे यहाँ से। पैसे अगर मांग लिए होते तो 10 लाख तुम्हारे मुंह पे मार देता। क्या बिगाड़ा था रिश्का ने, हमारा एमएस बनाकर भेज दिया, जीती जी मार दिया मेरे ऋषि का दोस्ती के रिश्ते की भी लाज नहीं रखी तुम लोगों ने। रेनू गीता तुम तो लड़कियां हो, एक बार उस लड़की की इज्जत का सौदा करते तुम्हें भी शर्म नहीं आई? शर्म? कैसी शर्म? पता है आर्यन तुम दोनों ही पैसे वाले थे, इसी चीज से हमें दिक्कत थी। और रही बात लड़की की इज्जत की, तो अब क्या फायदा, वो तो कोमा में है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लड़की नहीं होती ना, यही थप्पड़ जड़ देता तुम्हें। पर मैं लड़कियों की इज्जत करना नहीं भूला, लेकिन अब एक खेल होगा। इज्जत का सौदा किया था ना तुमने, तुम सबकी जिंदगी नरक बना दूंगा, वादा है मेरा। सुनो, अगर ये पुलिस के पास चला जाता या कुछ उटपटांग हरकत कर देता तो हमें दिक्कत होती। ऋषिका कोमा में है और ये, अबे ये यहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व है। सर ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इस कहानी के मैन विलेन से मिलना चाहोगे? विलेन? सर मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। आर्यन आर्यन तू जिंदा है? सर तुम मर गया था? ओह हाँ, मैं तो मर चुका था। किसने मारा था मुझे? तुमने, रॉकी ने, रजत ने, या फिर उन दोनों लड़कियों ने? जरा ये भी बताना इंस्पेक्टर साहब को। तो तूने ही मेरे दोस्तों को मारा है, पर तू बचा कैसे? इत्तेफाक से।
या यूं कहूं तो तुम सब की मौत आने तक खुदा भी मुझे मौत नहीं दे सकता। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस उन्हें उनके किए की सजा दी। अगर वो अनजान इंसान उस दिन सही वक्त पर नहीं आया होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं। बस आ गया, मैं तो डर ही गया था। थैंक यू भाई, मुझे ऋषिका के पास जाना। नहीं भाई, अभी जाना भाई, अभी आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे, फिर जहाँ कहोगे मिले चलूँगा तुम्हें। मिले चलूँगा भाई। भाई वो मर जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। कौन मर जाएगी? ऋषिका। कौन ऋषिका? भाई तुम इस हालत में नहीं हो कि कहीं जा सको। भाई प्लीज मुझे ऋषि का पास ले। भाई मुझे ऋषि का पास ले। ऋषि का अरे बेटा ये सब कैसे हो गया? तेरी ऋषिका बोल क्यों नहीं रही? राहुल बेटा इसे बाहर ले जाओ, इसका यूं शांत रहना इसकी जान ले लेगा। अपने सवालों के जवाब मांगने गया था पर उन्होंने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। अगर ये भाई सही वक्त पर नहीं आए होते तो आज
ऐसा मत कहो भाई, ये तो मेरा फर्स्ट था। अच्छा मैं चलता हूँ। जी ठीक है। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। नहीं भैया, जब तक उन पांचों को मौत के घाट न उतार दूं, मैं शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खुद एक इंस्पेक्टर हूं, मैं तुम्हें कानून अपने हाथों में नहीं लेने दूंगा। भैया आपका कानून भी मुझे नहीं रोक सकता। दोस्त बोला था मैंने उनको, पर उन्होंने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को ही अपवित्र कर दिया। उस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता था, उसको मेरे सामने ही जीते जी मार दिया। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप साथ दें या ना दें। मैंने कहा ना, मैं कानून तुम्हें अपने हाथों में नहीं लेने दूंगा, बट एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे शिव जैसा सांप भी मर जाएगा और बाकी के दोस्त भी। अब नेक्स्ट बर्थडे किसका है? 6 महीने बाद रॉकी का बर्थडे। तो बस फाइनल रहा, उस दिन से उनकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू होगा। तुम्हारी सराफत तो सिर्फ राधिका ही बता सकती है। ओह शिट, मैं लाइट चेक करके आता हूँ। सर आपने इसका साथ दिया मर्डर में, आप तो कानून के रखवाले हैं ना? कानून के हिसाब से तो तुमको अब तक जेल में होना चाहिए था। क्या? क्लोज दिस केस नाउ। श्योर, सबको मैंने वैसी ही मौत दी जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। रॉकी इलेक्ट्रिसिटी, रजत हैवी डोज ऑफ एल्कोहल, तेरी गीता और उसकी दोस्त रेणु मोबाइल ब्लास्ट। तुझे कैसे मानूं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो तू मारेगा मुझे? राधिका,
मारा है और अब ये तुम्हें मार रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? मैंने किसी को नहीं मारा, इसने सबको मारा है और अभी मुझे मारना चाहता है। क्या? पर इसमें तो लिखा है कि रॉकी, रजत, गीता एंड रेनू को तुमने मारा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारा कोई प्लान जान लिया था और अब तुम इसी कारण अपनी जान दे रहे हो। ये हैंडराइटिंग तो मेरी है पर मैंने किसी को नहीं मारा। राधिका, इसे पता है तुमने किसी को नहीं मारा। ये राधिका है, ऋषिका की छोटी बहन। जो पानी तुमने पिया है ना, उसमें जहर था। इसको कहते हैं द परफेक्ट प्लान। राधिका, लेटर यहीं छोड़ो और चलो।